जब तक हमें किसी चीज की पूरी जानकारी नहीं है तो वास्तव में हम उसका पूरा लाभ उठा नहीं सकते। पूरा तो छोड़ो, लेस मात्र भी हम उससे फायदा नहीं उठा सकते। अगर हमें पूरी तरह से जानकारी हो सकती है, हो जाती है उसके तत्व के बारे में कि उसमें गुण क्या है, उससे फायदा क्या है, उससे नुकसान क्या है, तो जिससे फायदा वाली चीज है। अब जैसे एक बात आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपने देखा होगा कि बीड़ी पीने वाला सबके बिना रह सकता है मगर बीड़ी के बिना नहीं रह सकता। पल पल हर क्षण उसको बीड़ी चाहिए। गुटके वाले देखो, गुटका फाड़ा उसको गुटका चाहिए, पल पल गुटका चाहिए। तम्बाकू वाला बार बार तम्बाकू लगाता है, खाता है। लत पड़ी है, लत क्यों पड़ी है? और एक बात देखो, शराबी शराबी ऐसे हो गए हैं कि आप देख लो, वो हर किसी के बिना रह सकते, खाना के बिना रह सकते, पानी के बिना रह सकते हैं, ठंड में पड़े रहेंगे। बस पैग लगाना उनके लिए बहुत ही जरूरी है, उसके बिना नहीं रह सकते क्योंकि उनको उसके गुण पता है। जब पूरी तरह से उनको कहते कि अगर आप शराब पी लो और नशा हो गया, आपको पता कि मेरा माइंड चेंज हो गया और उतर जाए, फिर आप वैसे वैसे, इसको कहते हैं नज़र में डालो, इसके गुण को पहचानो। उन्होंने सोचा, यार इतने अभी तो भाई कंगालपति हूँ भाई साहब, कुछ भी नहीं है, दो पैग मारो, हमसे बड़ा अरबपति कोई नहीं भाई साहब, टेंशन दूर। आओ भाई, कोई दिक्कत हो, गम हो, परेशानी हमें बताओ। पीने के बाद ये हालत हो जाती है, यानी कि वो नशे में चूर हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपनी हस्ती को, अपनी औकात को भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। 20 रुपये मांगे उससे, 100 रुपये मांगे इससे, तब एक पौआ लाया, नमकीन लाया, तब मैंने पिया, अब मैं करोड़पति अरबपति बन गया, अब मैं टाटा बिरला अंबानी की बात करता हूँ, मैं भूल गए अपनी हस्ती को, औकात को। तभी तो मज़ा आ रहा उनको शराब का नशे में, शराब के नशे का तभी तो आनंद उठा पा रहे हैं और तभी तो उनको लाभ हो रहा है। पीने के बाद कोई टेंशन नहीं, जूते खा के आए थे रास्ते में पिछले मोहल्ले में, पता नहीं किसने मारे, भूल गया, ऐसा होता है, कोई गम नहीं भैया, कोई गाली दे कुछ भी करे, साला मारे पीटे, मार भी खा ले, झाड़ पूछ के नाली में भी गिर जाए, कुत्ते मुँह चाट जाए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नशे में चूर हो गए, भूल गए अपनी हस्ती को। ऐसे ही अगर सिमरन के गुण पता चल जाएंगे, सिमरन में एक गहरा राज छुपा हुआ है। सबसे पहली बात तो ये कि हमें सिमरन बताया क्यों जाता है, जरा सोचो। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक प्रश्न उठ रहा है कि हमें सिमरन क्यों बताया जाता है, बताओ। कि परमात्मा का सिमरन करो, हर श्वास में सिमरन करो, खाते पीते सिमरन करो, उठते जागते सिमरन करो, नहाते धोते सिमरन करो, आते जाते सिमरन करो। सिमरन क्यों बताया जाता है, कि सिमरन में ऐसा क्या है जो हमें हर हाल में सिमरन करने को बताया जा रहा है, क्यों? कि सिमरन करो, सिमरन करो, हर श्वास में ओ सिमरन तेरा, यू बीत जाए जीवन मेरा। सिमरन क्यों बताया जा रहा है, तो सिमरन में ऐसा क्या छुपा हुआ, ऐसा कौन सा राज है जो हर हाल में हर कोई सिमरन को बोलता है? अगर सिमरन का मतलब है एहसास, सिमरन का मतलब है कनेक्टिविटी, सिमरन का मतलब है अपने आप को खो देना, विशार देना। जब मैं की हस्ती करें, ज़्यादा ज़्यादा हम सिमरन करेंगे तो मैं का जो भाव है, मैं की हस्ती अपनी औकात है, वो मिट जाती है, हम अपने आप में नहीं रहते। जब हम सिमरन का सहारा लेते हैं, शुरू शुरू में सिमरन तो होता नहीं है, और जब सिमरन करोगे तो बहुत आनंद आता है। मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, पैग लगा लिया, नमकीन मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है भैया, सलाद मिली तो ठीक है, खाना मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, पैग तो मिल गया। धीरे धीरे पैग लगाते जाओगे, नशा चढ़ता जाएगा, ना तुम्हें सलाद याद आएगी, ना तुम्हें नमकीन याद आएगी, और ना तुम्हें रोटी सब्जी याद आएगी, वह नशे में चूर हो जाओगे। सिमरन करते जाओ, करते जाओ, किसी भी हालत में सिमरन करते जाओ। सिमरन में क्या है, सिमरन में एक एहसास है, एक पास जाने का, किसके पास? इस परमपिता परमात्मा प्रभु निरंकार के पास। वो तो हर किसी के पास है, हर किसी के साथ है, और वो हर किसी के एहसास में है, मगर हम उसके एहसास में नहीं, अपने आप को उसके एहसास में नहीं रखते। हम बिछाड़ देते इसको, मगर ये नहीं बिछाड़ता। सिमरन में एक ऐसा गहरा राज छुपा हुआ है, अगर आप समझोगे, पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा कि हर कोई सिमरन ही क्यों बोलता है,
हम सत्संग में जाते तब भी वहाँ सिमरन का सहारा क्यों लिया जाता, कि सिमरन एक बहुत ही गहरा राज है, कि सिमरन से ही हमारे जो कहते हैं मन में जो उल्टे सीधे विचार आते हैं ना, जब कभी उल्टे सीधे विचार आ रहे हो, मन में बुरे ख्याल आ रहे हो या नजरिया गलत जा रहा, तो हम कुछ ना करें सिमरन का सहारा कर लेना शुरू कर दें, सिमरन का नाम शुरू कर देंगे ना, तो सिमरन के सहारे से धीरे धीरे हमारा मन जो है ना, जो दाएं में भटक रहा होता ना, उल्टा सीधा सोच रहा होता ना, एकदम से, वास्तव में कह रहा हूँ, ना जाने कितनी बार ही अपने खुद को अजमाई बातें कह रहा हूँ मैं, इसीलिए वीडियो बनाता हूँ मैं, जो कहते खुद पे एक्सपेरिमेंट हुआ रहे और वास्तव में कि ये बहुत से कहते बनाने यूँ पड़ता है कि और भी हमारे पास, आप हमारे वीडियो को देखोगे तो सबसे पहले यहीं बैठ के कोई भी गाना गाता था और ऐसे शेयर कर देता था, फिर धीरे धीरे दुकान दुकान का वीडियो डालता था, फिर बड़ी मार्केटों का वीडियो डालना शुरू कर दिया, फिर एक महात्मा जी का डाला, उसे लगा कि हाँ थोड़ा सा इसमें रिस्पॉन्स आ रहा है तो चलो यही, और भी हमारे पास है, क्योंकि चैनल ही ऐसा है, कोई पर्सनल एक ब्लॉग का चैनल कुछ ही बना के डाल सकते हैं, ऑडियंस तो कुछ भी मिल सकती है, तो मैं ये क्यों बनाता, क्योंकि देखो कुछ दाएं बाएं देखने को मिलता है ना, तो उससे लगता है कि हमें इस मामले में चर्चा करनी चाहिए, कि सद्गुरु ने हमें हर तरीके से, हर वो रास्ता, हर वो तरीका, हर एक चीज़ के बारे में हम बताया, हमें सुमरण कैसे करना, हमें सत्संग कैसे करना, हमें सेवा करनी कैसे करनी है, और हमें संत महात्मा भाई बहनों का किस तरह से उनकी सेवा करनी है, आदर सम्मान करना, किस तरह से समाज में हमें रहना है, हर तरीके से हमें बता दिया, किस तरह से अगर सामने वाला हमसे गुस्सा कर रहा, कोई गाली दे रहा, कुछ हमारा छीन के भाग रहा, तो उसके साथ हमें बर्ताव कैसा करना, कि हर एक मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सारा, तो सिमरन में इसीलिए कहते बहुत गहरा राज यही है, कि सिमरन एक एहसास है, कहते ना एहसास ये परमात्मा का एहसास जिसको हम विसार देते, परमात्मा का एहसास हमें जल्दी तो होता नहीं है, वास्तव में नहीं होता, हमें अपनी जरूरतों का एहसास होता है, अभी हम बैठे हम दुकान में बैठे, अभी हमें एहसास किस चीज़ का हो रहा, अभी कोई ग्राहक नहीं आया, अब ग्राहक का एहसास करो, ग्राहक आ जाए, दो चार ग्राहक आ जाए तो 2-4 हज़ार का काम हो जाए, इस चीज़ का एहसास है, और इससे सुमरण कर रहा हूँ आ जाएगा, कहते हमें पता है हमें भी 1,000 रुपये चाहिए, मगर परमात्मा को पता है इसे 500 चाहिए, तो 500 देगा ना, सुत दारा और धनलक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, तो कहते सेवा सत्संग सुमरण करना हर किसी के बस की बात नहीं, और एक अगला वीडियो आपके सामने आएगा कि बहुत ही अच्छा, मैंने बहुत ही लोगों से मतलब ये सीखा है, देखने को मिला है कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं फिर भी वो परेशान क्यों रहते, दुखी क्यों रहते, उनको क्या करना चाहिए, कि पूजा पाठ करते हैं ना, कभी इस धाम पे, कभी उस धाम पे, कभी गणेश महाराज की, कभी लक्ष्मी की माता की, कभी इस माता की, कभी उस माता की पूजा करते हैं, उसके बावजूद उनके पास दुख का एहसास क्यों, परेशानी क्यों रहती, मानसिक रूप से परेशान क्यों रहते, तो उनको क्या करना चाहिए, अगर हैं इनमें पूजा पाठ करने वाले कोई भाई वीडियो देख रहा है, तो अगला वीडियो हमारा वही होगा, वीडियो पूरा देखें, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करना, और वीडियो में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, और अच्छा लगे ज़्यादा तो शेयर भी कर देना, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्य गाजी, नमस्कार।